आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो होगा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, और बहुत जल्द हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी लाने वाले हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी पहले लेक्चर 5 तक अपलोडेड है चैनल पे। अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस लेक्चर्स को जाकर देखें, ताकि आपका डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देखा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो लास्ट था वो फेज से स्टार्ट होने वाला था, कि 3 फेज होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होने वाले 3 फेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है पहले से तो कोई बात नहीं, अगर नहीं पढ़ा है तो भी कोई बात नहीं, तो भी हम इसे अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 फेजेस होता है, पहला जुवेनाइल फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज एंड तीसरा जो है वो सेंसेंट फेज। तो हम बात करेंगे कि जुवेनाइल फेज किस में आता है, रिप्रोडक्टिव फेज किस में आता है, और लास्ट वाला जो है सेंसेंट फेज किस में आता है। तो जुवेनाइल फेज जो है उसे समझने की ट्राई करें, तो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, हम बना रहे फिगर, आप लोग समझने की ट्राई करें। यहाँ पे देखिए एक बच्चा है, ठीक है, छोटा सा बच्चा है, धीरे धीरे वो बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद ये रहा, वो स्कूल जा रहा है। ठीक है, स्कूल के बाद वो और बड़ा हुआ, अब वो कॉलेज जाने के लायक हो गया, इसके बाद धीरे धीरे वो और बड़ा हो गया। ठीक है, जहाँ पर उसकी शादी हुई, इसके बाद उसका बच्चा हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, उसका एज जो है वो ख़त्म होने लगा। ठीक है, उसकी जो लास्ट एज है सनसेंट फेज, जिसे हम बुढ़ापे बोलते हैं, वो आ गया। ठीक है, तो अब हम इसे समझने की ट्राई करते हैं। जुवेनाइल फेज वो होता है जहाँ पे ग्रोथ और मैच्योरिटी होती है। ठीक है, जहाँ पे किसी भी ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ और मैच्योरिटी हो वो है जुवेनाइल फेज। और जुवेनाइल फेज जहाँ ख़त्म होगा, मैच्योरिटी जहाँ ख़त्म होगा, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली एक्टिव हो जाएगा, वो रहा रिप्रोडक्टिव फेज, जहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये रहा आपका जुवेनाइल फेज। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिप्रोडक्टिव फेज। मैंने पहले भी बताया कि जब जुवेनाइल फेज जहाँ पे ख़त्म होगा वहीं से रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पे रिप्रोडक्शन होगा और ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद लास्ट में आपको दिखेगा, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखें, ये रहा सेंसेंट फेज। सेंसेंट फेज वो फेज होता है जहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज का ख़त्म होता है। ठीक है, जहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज ख़त्म हुआ वहाँ इंटर कर जाता है सेंसेंट फेज। और ये फेज जो होता है वो ओल्ड एज का फेज होता है, यहाँ के बाद जो है ऑर्गेनिज्म डेथ कर जाता है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म का डेथ जो है वो फिक्स है, चाहे वो कोई भी हो, मरना तो सबको है, इमोर्टल कोई भी ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये आप सबको पता है। तो यही रहा, आपको समझ में आया किस तरह से 3 फेजेज है। एक बार हम इसे नोट्स से पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर हम NCERT का लाइन देखेंगे, क्योंकि नोट्स यहाँ पे देना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर करने के लिए। तो चलिए एक बार हम नोट्स को भी देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द पीरियड, हम स्टार्ट कर रहे हैं जुवेनाइल फेज से। ठीक है, कितने फेज होते हैं, 3 फेज, जुवेनाइल फेज, देन रिप्रोडक्टिव एंड देन सेंसेट। आपको जो है इसका सीरीज जो लाइन से दिया हुआ है वो याद रखना है, जुवेनाइल के बाद रिप्रोडक्टिव आता है, रिप्रोडक्टिव के बाद सनसेंट आता है। तो जुवेनाइल फेज वो होता है जहाँ पे लिखा हुआ है द पीरियड बिटवीन बर्थ एंड सेक्सुअल इमैच्योरिटी इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। ठीक है, जहाँ पे ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ होता है, सॉरी बर्थ होता है, बर्थ के बाद ग्रोथ होता है, और जो मैच्योरिटी वाला पीरियड है वही है जुवेनाइल फेज। इन प्लांट्स, जिसे जब प्लांट्स में इसे देखा जाता है उसे वेजिटेटिव बोलते हैं। ठीक है, यही फेज अगर हम प्लांट्स की बात कर ले, आप ध्यान से इससे समझने की ट्राई करें, जुवेनाइल फेज अगर हम प्लांट्स की बात करें एग्जांपल ले, तो प्लांट्स के लिए जो ये जुवेनाइल फेज नहीं होगा, प्लांट्स के लिए इस फेज का नाम है वेजिटेटिव फेज। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स के लिए हमेशा वेजिटेटिव यूज़ होता है, आप लोगों को पता होगा, तो प्लांट्स के लिए ये यूज़ होगा वेजिटेटिव फेज। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। जुवेनाइल फेज प्लांट्स के लिए यूज़ नहीं होता है, प्लांट्स के लिए यूज़ होता है वेजिटेटिव फेज। और यहाँ पे लिखा होगा द एंड ऑफ जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, जहाँ पर ये जुवेनाइल फेज ख़त्म हुआ वहाँ से स्टार्ट हो जाता है रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने समझने की भी ट्राई करी कि किस तरह से जुवेनाइल फेज ख़त्म हुआ, ऑर्गेनिज्म बर्थ किया, ग्रोथ किया, एंड देन क्या हुआ,
मैच्योरिटी आया, मैच्योरिटी के बाद जो सेकंड वाला जो स्टेज आप देख रहे होंगे यहाँ पे फोर्थ स्टेज, ठीक है, इस फोर्थ स्टेज के बाद जो है वो ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सेक्सुअली मैच्योर हो गया ये, और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, और रिप्रोडक्शन करके जो है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। लास्ट वाला सेकेंड वाला जो है वो आपका है रिप्रोडक्टिव फेज, जो कि हमने बताया भी अभी, पीरियड इन विच एन ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। इसका वही मतलब हुआ कि ऐसा पीरियड जहाँ पे जुवेनाइल फेज ख़त्म हुआ, जुवेनाइल वाला जो पीरियड था वो ख़त्म हुआ, और दूसरा वाला जो फेज है वो स्टार्ट हुआ रिप्रोडक्टिव फेज। जुवेनाइल फेज में हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरह से ग्रोथ हुआ, बर्थ हुआ, ग्रोथ हुआ एंड मैच्योर हुआ। मैच्योर के बाद जो ऑर्गेनिज्म आता है सेक्सुअली एक्टिव हो जाता है, और उस फेज में जो है वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। इसी पीरियड को हम रिप्रोडक्टिव फेज बोलते हैं। और इसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज, एक और चीज़ कि रिप्रोडक्टिव फेज को हम प्लांट्स में कैसे देखेंगे, हायर प्लांट्स में, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिए, इजिली सीन इन हायर प्लांट्स वेन कम टू फ्लावर। आपको हायर प्लांट्स में दिख जाएगा जब वहाँ पे फ्लावर आएगा, तो आप समझ जाइए कि वो रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट्स का स्टार्ट हो गया। अब समझ आ गया होगा कि रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट्स का कब स्टार्ट होगा, जब आपको फ्लावर दिख जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। सम प्लांट्स सो फ्लावरिंग इन पार्टिकुलर सीजन, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि पार्टिकुलर सीजन में ही फ्लावर देते हैं, एंड सम अदर फ्लावर इन ऑल सीजन, ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि सिर्फ पार्टिकुलर सीजन में ही, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जो कि हर सीजन में हैं जो फ्लावर देते हैं। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि फ्लावर हमेशा देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो कि अपने लाइफ टाइम में बस एक बार ही देते हैं। बहुत ऐसे हैं जो कि 12 साल में, 15 साल में एक बार देते हैं। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से वो प्लांट्स हैं जो कि इतने लाइफ टाइम में एक बार देते हैं फ्लावर्स, ठीक है, और उनका जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो लाइफ के सबसे लास्ट में होता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। अब हम देख लेते हैं, अब देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे, सम अदर प्लांट्स लाइक बैम्बू स्पीसीज फ्लावर वंस इन लाइफ टाइम। अब आपको बैम्बू दिख रहा होगा यहाँ पे, वो अपने लाइफ टाइम एक बार ही फ्लावर देता है, ठीक है। बैम्बू जो है वो 50 to 100 ईयर्स में एक बार ही फ्लावर देता है, अब तभी उसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है, और इसके बाद फ्लावर देने के बाद जो है वो डेथ भी कर जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एक और प्लांट्स की, जो कि स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना का, जिसे नीला कुरंजी भी बोलते हैं, ये जो है अपने 12 साल पे रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, इसका जो फ्लावर आता है 12 साल पे आता है, इसका जो रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है वो 12 साल पे, ठीक है। लिखा हुआ है नीला कुरंजाई फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जुवेनाइल फेज इसका क्या इसी टाइम ख़त्म हुआ, इतना दिन तक जो है वो इसका, इतना टाइम तक इसका जुवेनाइल फेज ही रहा, इसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आया, ऐसा आपके माइंड में चल रहा होगा। तो ऐसा नहीं है, प्रोसेस सारे ऑर्गेनिज्म में यही है, जुवेनाइल आता है, देन रिप्रोडक्टिव, एंड देन सेंसेंट फेज आता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि इतना दिन तक जो है इसका जुवेनाइल फेज चला, इसके बाद जब इसका फ्लावर आया तो ही इसका रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज तो स्टार्ट तभी हुआ, लेकिन जुवेनाइल फेज तब तक नहीं चलता रहा, ठीक है। सारे ऑर्गेनिज्म में अलग अलग प्रोसेस होते हैं, लेकिन ये प्रोसेस जरूर है कि तीनों फेज होता है, जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव एंड लास्ट वाला जो है सेंसेंट। जुवेनाइल फेज, जबकि अगर प्लांट्स की मैं बात करूँ तो उसे जुवेनाइल फेज को हम वेजिटेटिव बोलते हैं। यही रहा, और बायोलॉजी में हर लाइन्स पे आपको एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट वाला लाइन देख लेते हैं, एनसीईआरटी का। अभी तक हम लोगों ने एनसीईआरटी का लाइन नहीं पढ़ा है, तो चलिए एक बार एनसीईआरटी हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वाला जो हमारा जो भी टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए एक बार एनसीईआरटी को आप लोग निकाल लें, और एनसीईआरटी का लाइन हम जो पढ़ रहे हैं आप लोग समझने की ट्राई करें। All organisms have to reach a certain stage of growth and maturity in their life. यहाँ पे बता रहा है सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सबको जो है वो एक स्टेज तक पहुँचना होता है जहाँ पे वो अच्छे से ग्रो हो सके, अच्छे से मैच्योर हो सके, वो इतना मैच्योर हो जाए ताकि वो जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सके, ठीक है, सेक्सुअली एक्टिव हो सके। दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड जुवेनाइल फेज। इसी पीरियड ऑफ ग्रोथ को हम जुवेनाइल फेज बोलते हैं। और अगर मैं प्लांट्स की बात करूं इसी फेज का, तो उसके लिए जो यूज़ होगा वो होगा वेजिटेटिव फेज। एक बार पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं,
इसके बाद आता है दिस फेज इज ऑफ वेरिएबल इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब हुआ ये जो फेज होता है वो सारे ऑर्गेनिज्म में अलग अलग डिफर करते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म में एक ही फेज में जो है वो जुवेनाइल स्टार्ट होगा, देन रिप्रोडक्टिव एंड देन सेंसेंट। ऐसा नहीं है, ये फेज जो है वो सारे ऑर्गेनिज्म में डिफर करता है, ठीक है। जुवेनाइल फेज सारे ऑर्गेनिज्म में डिफर करता है, वही लिखा हुआ है। इसके बाद लिखा है द इंडो जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज विच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया कि जहाँ पे जुवेनाइल फेज या हम प्लांट्स की बात करें तो वेजिटेटिव फेज खत्म होता है, वहीं से स्टार्ट हो जाता है रिप्रोडक्टिव फेज। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, द रिप्रोडक्टिव फेज कैन बी सीन ईजिली इन द हायर प्लांट्स व्हेन दे कम टू फ्लावर। हमने बताया आपको कि जब रिप्रोडक्टिव फेज प्लांट्स में, हायर प्लांट्स में, तभी आपको देखने को मिलेगा जब उसमें फ्लावर आ जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका आंसर आप लोगों को करना है। अगर आप लोगों को ये समझ आ गया होगा, जो भी हमने अभी तक समझाने की ट्राई करी आपको समझ आ गया होगा, तो ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाएगा। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप डाउट सेशन में डाउट पूछें, कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछें, या इंस्टाग्राम पे हो तो जैसे भी आपको ईजी लगे आप अपना डाउट पूछकर अपना डाउट को क्लियर करें। तो हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला। ऑब्जर्व अ फ्यू ट्रीज़ इन योर एरिया। इसमें बता रहा है कि आपके एरिया में कुछ ट्रीज़ होगा, आप उसे देखें, उसे ऑब्जर्व करें। डू दे फ्लावर ड्यूरिंग द सेम मंथ ईयर आफ्टर ईयर। क्या हर साल में सेम मंथ में ही वो फ्लावर देता है। इसके बाद आर देयर सम प्लांट्स दैट फ्लावर थ्रू आउट द ईयर एंड सम अदर्स दैट सो सीजनल फ्लावरिंग। इसका मतलब हुआ कुछ ऐसे फ्लावर्स जो भी है जो अपने पूरे लाइफ टाइम में एक बार ही फ्लावर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर्स जो है, कुछ ऐसे फ्लावर्स भी हैं जो पूरी लाइफ टाइम तक फ्लावर देते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे हम एग्जाम्पल्स ले लें एनिमल्स की, एनिमल्स में हम ह्यूमन की बात अगर करें तो ह्यूमंस के लिए कोई सीजनल टाइम नहीं होता है रिप्रोडक्शन का, वो साल में कभी भी रिप्रोड्यूस कर सकता है, उसके लिए कोई फिक्स टाइम नहीं है कि इसी टाइम में, इसी ड्यूरेशन में जो है वो रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्लांट्स की बात आ रही है तो वही है, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि अपने लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार जो है वो फ्लावर देता है, और कुछ ऐसे एनिमल्स की बात करूँ या प्लांट्स की जो कि सीजनल होते हैं, जो हर सीज़न में ही प्रोड्यूस करेंगे, और कुछ ऐसे होते हैं जो नॉन सीजनल होते हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स की बात करें, इसके लिए कोई सीज़न नहीं, लेकिन अगर इसमें हम प्लांट्स की बात कर ले, बैम्बू की और स्ट्रॉबिलेंथस जो कुरंजाई, जिसे नीला कुरंजी बोलते हैं, स्ट्रॉबिलेंथस बोलते हैं जिसे, तो नीला कुरंजी और स्ट्रॉबिलेंथस जो है उसके लिए जो है वो 12 ईयर्स उसका भी सीज़न आता है। लेकिन एनिमल्स में, ह्यूमन्स की बात करें, उसका कोई सीज़न नहीं। लेकिन यहाँ पर फिर बात करें बैम्बू की, उसके लिए भी वो तो लाइफ टाइम में एक बार ही करता है। अब हम बात कर लेते हैं अपना नेक्स्ट वाला एनसीईआरटी के टॉपिक्स पे। तो यहाँ पे लिखा है द प्लांट्स द एनुअल एंड बेनियल टाइप्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया ही एनुअल एंड बेनियल क्या है, ये तो आप लोगों ने कभी नहीं सुना होगा, एनुअल एंड बेनियल टाइप्स। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं एनुअल्स का मतलब क्या होता है और बेनियल्स का मतलब क्या होता है। एनुअल्स का मतलब होता है ऐसा प्लांट्स जो पूरे साल में एक बार रिप्रोड्यूस करे, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ बेनियल प्लांट्स की, तो ऐसा प्लांट्स जो दो साल में एक बार रिप्रोड्यूस करता है, मतलब उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बर्थ हुआ इसके बाद धीरे धीरे मैच्योर होता है, तो उसे टाइम लग जाता है दो साल तक। लेकिन अगर मैं बात करूँ एनुअल की, तो पूरे साल में जो एक बार रिप्रोड्यूस करता है उसे एनुअल बोलते हैं। एग्ज़ाम में आ सकता है ये क्वेश्चन, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से समझने की ट्राई करें। तो हम लोगों ने एनुअल एंड बेनियल के ऊपर तो बात कर ली, लेकिन एक और जो वर्ड्स आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, अगर आप लोग एनसीईआरटी देख रहे होंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा पेरेनियल स्पीसीज़ क्या होता है, वहाँ पे लिखा होगा पेरेनियल। तो एनुअल का मतलब जो साल में एक बार दे, ठीक है, रिप्रोड्यूस करे, बेनियल का मतलब साल में दो साल में एक बार, और पेरेनियल का मतलब यहाँ पे तीन साल से भी ज़्यादा टाइम लग सकता है रिप्रोडक्शन में, ठीक है। इसी स्पीसीज़ को हम पेरेनियल स्पीसीज़ बोलते हैं। तो चलिए हम आप नेक्स्ट देख लेते हैं। A few plants exhibit unusual flowering phenomenon. Some of them, such as bamboo species, flower only once in their lifetime, generally after 15 to 100 years. आप लोगों को मैंने हज़ार बार बताया कि bamboo species अपने लाइफ टाइम में बस एक बार ही रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, और रिप्रोड्यूस करने के बाद जो है वो डेथ कर जाता है, ख़त्म हो जाता है वो। प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई, वही लिखा हुआ है। अनदर प्लांट जिसका मैं बात करूँ वो है स्ट्रॉबिलेंथस
कुंथियाना, जिसे नीला कुरंजी भी बोलते हैं, फ्लावर वंस इन 12 ईयर्स। हम लोगों ने इसके ऊपर पहले भी डिस्कस किया कि ये जो है वो 12 साल पे जो है वो रिप्रोड्यूस करता है, फ्लावर को देता है। एज मेनी ऑफ यू वुड नो दैट प्लांट्स फ्लावर ड्यूरिंग सेप्टेम्बर अक्टूबर 2006। इट मास फ्लावरिंग ट्रांसफॉर्म लार्ज ट्रैक्स ऑफ हिली एरियाज इन केरला, कर्नाटक, तमिलनाडु इन टू ब्लू स्ट्रेचेज एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट। ये जो नीला कुरंजाई है ये ट्रैक्स ऑफ लिखा हुआ है, ट्रैक्स ऑफ हिली एरियाज इन केरला, केरला का जो हिली एरियाज होता है वहाँ पे पाया जाता है। इसके साथ ही कर्नाटक एंड तमिलनाडु में भी ये देखने को मिलता है। ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है जब इसका फ्लावर आता है 12 साल में एक बार, तो ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है देखने में। तो यहाँ पे बता रहा है कर्नाटक एंड तमिलनाडु एंड अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट, बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है वहाँ पे आते हैं इस फ्लावर को देखने के लिए। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए इस फ्लावर को, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। इस बात को अच्छे से ध्यान से रखिए कि ये जो नीला कुरंजाई या स्ट्रॉबिलेंथस कुंथियाना है, ठीक है, ये 12 साल में एक बार ही रिप्रोड्यूस करता है। इसका जो टाइम होता है, ड्यूरेशन होता है, वो 12 साल होता है, 12 साल में सिर्फ और सिर्फ एक बार। इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाई मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस प्रियर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। इन एनिमल्स द जुवेनाइल फेज इज फॉलोड बाई मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इसका मतलब हुआ कि एनिमल्स में जब जुवेनाइल फेज होता है तो बॉडी के बाहर और बॉडी के अंदर जो है वो कुछ चेंजेस देखने को मिलता है प्रियर टू एक्टिव रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। इसका मतलब हुआ जिसकी वजह से अगर ये स्टेज ना आए तो ऑर्गेनिज्म जो है वो मैच्योर नहीं होगा, ग्रो नहीं होगा, और जब मैच्योर ही नहीं होगा तो वो रिप्रोड्यूस कैसे कर पाएगा, रिप्रोड्यूस जो सेक्सुअली एक्टिव होता है वो कैसे हो पाएगा। तो इसके लिए ये जो है बहुत ज़रूरी है चेंजेस होना, ठीक है, बॉडी में चेंजेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी रिप्रोडक्टिव बिहेवियर जो है ऑर्गेनिज्म का एक्टिव हो पाएगा एंड देन वो रिप्रोड्यूस कर पाएगा। इसलिए जो है बॉडी में चेंजेस, मॉर्फोलॉजिकल मतलब एक्सटर्नल बाहरी चेंजेस एंड फिजियोलॉजिकल का मतलब इंटरनल चेंजेस भी बहुत ज़रूरी है ऑर्गेनिज्म का होना, तभी जो है वो सेक्सुअली एक्टिव हो पाएगा और वो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो पाएगा, मैच्योर हो पाएगा। इसके बाद आपको दिख रहा होगा द रिप्रोडक्टिव फेज, तो आप लोग जानते होंगे जैसे ही जुवेनाइल फेज खत्म हुआ तो अब इंटर हो जाएगा रिप्रोडक्टिव फेज में। तो वही आप बता रहा है द रिप्रोडक्टिव फेज इज ऑल्सो ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। जैसे कि हम लोगों ने जुवेनाइल फेज को समझने की ट्राई करी, वैसे ही ये रिप्रोडक्टिव फेज भी है। जुवेनाइल फेज भी हर ऑर्गेनिज्म में सेम आपने पढ़ा कि नहीं होता है, वैसे ही रिप्रोडक्टिव फेज भी हर ऑर्गेनिज्म में सेम देखने को नहीं मिलता है। हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग जो है वो वेरिएबल देखने को मिलता है रिप्रोडक्टिव फेज, क्योंकि सारे ऑर्गेनिज्म का जो सिस्टम है वो एक जैसे तो नहीं है, इसलिए जो है वहाँ पे रिप्रोडक्टिव फेज में भी चेंजेस देखने को मिलता है अलग अलग ऑर्गेनिज्म में। हम बात कर लेते हैं एनिमल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव का फेज क्या क्या है और किस तरह से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स में जो है आपको दो टाइप का एनिमल मिलेगा, एक तो वो जो नॉन प्राइमेट एनिमल्स, दूसरा प्राइमेट एनिमल्स। नॉन प्राइमेट्स में क्या क्या आ जाएगा, तो वो होगा रैट्स, शीप्स, डॉग्स, काउज एंड टाइगर्स। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्राइमेट्स की तो वहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा मंकीज, एप्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ नॉन प्राइमेट्स जो भी एनिमल्स है वो कौन सा साइकिल करते हैं, तो वो करते हैं ऑस्ट्रस साइकिल, और प्राइमेट्स एनिमल जो है वो करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब आप ये सोच रहे होंगे ये ऑस्ट्रस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, तो ये रिप्रोडक्टिव फेज का स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। विदाउट इसके जो है फीमेल में रिप्रोडक्टिव साइकिल जो स्टार्ट होता है यहीं से स्टार्ट होता है फीमेल्स में जो देखने को मिलता है एनिमल्स में, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो हम नेक्स्ट वाला जो आपको चैप्टर आ रहा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें हम डिटेल से देखने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। एक चीज़ आप ध्यान रख लें कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ जो है वो फीमेल में देखने को मिलता है, ठीक है, फीमेल में हर मंथ देखने को मिलता है। ये रिप्रोडक्टिव फेज है फीमेल के लिए। तो अभी इतना ही समझे, हम नेक्स्ट जो लेक्चर आपका आएगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन उसके ऊपर हम लोग डिटेल में समझेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है इसके बारे में। ऑस्ट्रस साइकिल समझ लें, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है सेम टू सेम ऑस्ट्रस साइकिल भी होता है, लेकिन ये जो है नॉन प्राइमेट्स एनिमल में देखें और प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है।
तो आप लोगों को आई होप कि क्लियर हो गया होगा। और मेंस्ट्रुअल साइकिल हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में। तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितना समझने की ज़रूरत है आप लोग समझ लें कि मंथ में जो है वो हर मंथ आता है फीमेल में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल। और ऑस्ट्रल साइकिल के बारे में सेम टू सेम जैसे मेंस्ट्रुअल होता है वैसे ही ऑस्ट्रल साइकिल भी होता है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। अमंग एनिमल्स फॉर एग्जाम्पल्स, बर्ड्स की अगर बात किया जाए एनिमल के अंदर, डू दे ले एग्स ऑल थ्रू द ईयर, क्या वो पूरे साल एग देते हैं, या और इज इट अ सीजनल फिनोमिनन, क्या यह सीजन का फिनोमिनन है या वो पूरे साल एग देते हैं। वाट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग, क्या सोचते हैं आप अदर एनिमल्स के बारे में, जैसे फ्रॉग हो गया, लिजर्ट हो गया। यू विल नोटिस दैट बर्ड लिविंग इन नेचर ले एग्स वनली सीजनली, बर्ड्स जो है वो सीजन में, आप नोटिस करेंगे कि बर्ड्स जो है वो सीजनल एग देता है। हाउएवर बर्ड्स इन कैप्टिविटी एज इन पोएट्री फॉर्म्स कैन बी मेड टू ले एग थ्रू आउट ईयर। इसका मतलब हुआ जो बर्ड्स होते हैं, अगर मैं बात कर लूँ मुर्गी की, तो वो सीज़न में ही, एक पार्टिकुलर सीज़न में ही, एक पार्टिकुलर इन्वायरमेंट में ही जो है वो एग, अंडा जो है वो देती है। तो पोल्ट्री फॉर्म जो होता है वहाँ पे इन मुर्गियों को उसी तरह का इन्वायरमेंट दिया जाता है, सेम कंडीशन दिया जाता है, वही पार्टिकुलर जिस तरह से वो अंडा जो है वो एग्स को जो लेस करती है वो देती है, तो उसी तरह से उसे इन्वायरमेंट दिया जाता है पोल्ट्री फॉर्म के अंदर, ताकि वो एग्स को लेस कर सके, अंडा दे सके। सेम टू सेम वैसा ही कंडीशन जो है वो दिया जाता है, उसी तरह का इन्वायरमेंट बना दिया जाता है, ताकि उसे ये लगे कि वही सीज़न है जिस सीज़न में वो अंडा को देती है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि हाउ एवर्स बर्ड्स इन कैप्टिविटी, जैसे कि पोएट्री फॉर्म्स, कैन बी मेड टू ले एग थ्रू आउट द ईयर। इन दिस केस लेइंग एग इज़ नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन, बट इट इज़ अ कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। आप इसे रिप्रोडक्शन का नाम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन्स जो है अपने फ़ायदे के लिए ऐसे करता है, तो ये रिप्रोडक्शन का नाम इसे आप नहीं दे सकते हैं। इसे जो है वो कमर्शियल के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए इसे यूज़ किया जाता है, तो ये कोई रिप्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि उन मुर्गियों को सेम टेम्परेचर दिया जाता है, सेम कंडीशन दिया जाता है, सेम इन्वायरमेंट दिया जाता है जिसमें वो रिप्रोड्यूस करती हैं, अंडा को देती हैं, तो इसे कोई रिप्रोडक्शन का नाम नहीं दिया गया, ये रिप्रोडक्शन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन वेलफेयर के लिए किया जाता है, ठीक है। और इसी वजह से हर साल हर महीने में आपको एग्स मिल पाता है, क्योंकि उन मुर्गियों को उसी तरह का इन्वायरमेंट दिया जाता है, ताकि वो अंडे को जो है वो प्रोड्यूस करे, अंडे दे, ठीक है, इसलिए उसे उस तरह का इन्वायरमेंट दिया जाता है। इसी वजह से लोगों को पूरे साल जो है अंडा देखने को मिलता है, क्योंकि मुर्गी को उस तरह का इन्वायरमेंट दिया जाता है, ताकि वो अंडे को प्रोड्यूस करे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। द फीमेल्स ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स एग्जिबिट साइक्लिकल चेंजेस इन द एक्टिविटीज ऑफ ओवरीज एंड एसेसरी डक्ट्स एज वेल एज हॉर्मोन्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव। इसका मतलब प्लेसेंटल मैमल्स जो होती है उनमें साइक्लिकल चेंजेस देखने को मिलता है उनकी ओवरीज में, एंड उसके जो हार्मोन होते हैं उसमें भी चेंजेस देखने को मिलता है रिप्रोडक्टिव फेज में। ये मैमल्स जो है वो जब रिप्रोडक्टिव फेज़ में, जब इसका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाता है, तो कुछ चेंजेस देखने को मिलता है जो कि ओवरीज में और हार्मोन्स में भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे दो टाइप के आपको मैमल्स देखने को मिलेगा, एक प्राइमेट्स और एक नन प्राइमेट्स। तो पहले हम बात करेंगे नन प्राइमेट्स का, जो कि ऑलरेडी हम एक बार कर भी चुके हैं, काउज हो गया, सीप्स हो गया, रैट, डियर, डॉग्स, ये सब, टाइगर्स, ये सब जो है वो नन प्राइमेट्स एनिमल्स है। एंड प्राइमेट्स मैमल्स की अगर मैं बात करूँ तो वो है मंकीज़, एप्स एंड ह्यूमंस, ठीक है। नन प्राइमेट्स में ऑस्ट्रल साइकिल देखने को मिलता है और प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलता है। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहा वो यहीं तक। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोगों ने लेक्चर को रेगुलर किया, कंटिन्यू देखा, और इसी तरह से लेक्चर्स को कंटिन्यू देखते रहें, अपने पढ़ाई को अच्छे से करते रहें। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी करेंगे और रिप्रोडक्शन भी, दोनों का सीरीज़ स्टार्ट होगा बहुत जल्द, आपको दोनों लेक्चर्स मिल जाएगा। रिप्रोडक्शन का ये लेक्चर नंबर 6 था, हम लेक्चर नंबर 7 बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहे, समझते रहे, कोई भी डाउट हो पूछते रहे। ऑल द बेस्ट।